हेलो एंड वेलकम टुडे के ग्रो ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से निकले पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप डीयू में एडमिशन पा सकते हैं रिसर्च प्रोग्राम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग उस नोटिफिकेशन को जो निकल कर आया है पीएचडी एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जो निकल कर आया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ये कुल मिला के 44 पेज का है। इसमें से शुरू का कुछ पेज में सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन सभी को हम सबसे पहले स्किप कर देते हैं। स्किप करने के साथ जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे पेज नंबर 8 पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप 23 मई से लेकर के 20 जून के बीच यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23 मई से 20 जून तक भर सकते हैं। इसका एंट्रेंस टेस्ट का अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके लिए एक वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आपको रेगुलरली विजिट करना है। बाकी चीज़ों के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। कहाँ से आप भर सकते हैं, कैसे आप भर सकते हैं, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रजिस्ट्रेशन फी, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 300 रुपीज फी पेमेंट करना होगा। वहीं अनरिजर्व के साथ साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ भी ईडब्ल्यूएस लिख दिया गया है और नीचे भी ईडब्ल्यूएस लिख दिया गया है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे उसी वक्त आपको पता चलेगा। खैर, अगर जितके आप अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपीज पे करना होगा ऑनलाइन फी। वहीं दोस्तों, अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि आखिरकार वो कौन से स्टूडेंट होंगे जो इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो आपको बता दें अगर आप पीजी पास हैं 55% मार्क्स के साथ तो आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर जितकी आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको यहां पे इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। अगर यदि आप ओनली पीजी पास हैं तो आपको यहां पे इंट्रेंस एग्जाम दे करके एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, अगर आप ओनली पीजी पास भी हैं तो भी आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास कुल मिलाकर 55% मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर जितकी आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पास पीजी में 50% मार्क्स भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि रिजर्व कैटेगरी वालों को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हुए आते हैं, यहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज या फिर कह सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है, जहां पे सबसे पहले आप देख सकते हैं अरेबिक से कुल मिला के जो सीट निकल कर सामने आया है वो है अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज साफ साफ लिख दिया गया है कि रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है जमा करना रजिस्ट्रेशन के समय। आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा जिसे सिनॉप्सिस भी कहते हैं, और वो सिनॉप्सिस आपका उस टॉपिक पे होना चाहिए जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है रिसर्च प्रपोजल, कैसे लिखा जाता है सिनॉप्सिस, तो उसके संबंध में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। अगर चाहें तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है। तो सभी के सभी स्टूडेंट जो कोई भी यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं उसे एक रिसर्च प्रपोजल बनाना ही बनाना होगा। जैसे आप नीचे आते हैं, यहां पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, जहां पे आप देख पाएंगे सीटों की संख्या, यहां से आप देख लीजिए। जैसे आप नीचे आएंगे, यहां पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से निकले वैकेंसी को, जहां पे इंग्लिश से आप अच्छा खासा वैकेंसी देख सकते हैं। अनरिजर्व से टोटल 16 सीट है, ओबीसी के लिए 11 सीट है, एससी के लिए 6 सीट है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, जहां पे आप देख पाएंगे अनरिजर्व का 4 वैकेंसी, ओबीसी का 3, एससी का 2, एसटी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 वैकेंसी। नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी,
जहां पे आप देख पाएंगे यूआर का टोटल 39 वैकेंसी है। जी हाँ, अनरिजर्व के लिए 39 वैकेंसी है, वहीं ओबीसी के लिए 26 वैकेंसी है, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसी है। यहां भी ये साफ किया गया है कि रिसर्च प्रपोजल आपको जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन के समय। जैसे आप नीचे आएंगे यहां पे आप देख पाएंगे फिलोसफी का वैकेंसी, यहां से देख सकते हैं अच्छा खासा वैकेंसी फिलोसफी से भी निकलकर सामने आया है। अब यहां पे आप देख सकते हैं साइकोलॉजी का वैकेंसी, साइकोलॉजी में नेट और नॉन नेट वालों के लिए अलग अलग सीट कर दिया गया है, यानी कि वो स्टूडेंट जो ओनली पीजी पास है और वो स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई है उसके लिए यहां पे अलग अलग वैकेंसी लिख दिया गया है, आप इसे एक बार जरूर अच्छे से देख लें। अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी से तो आप यहां पे वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहां पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से निकले वैकेंसी देखने को मिलेगा, जहां पे 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए वैकेंसी निकलकर सामने आया है। नीचे आने पे आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, जहां पे आप देख पाएंगे सीटों की संख्या। नीचे आने पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल स्टडीज से कितना वैकेंसी है और यहां से आप देख सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से कितना वैकेंसी निकलकर सामने आया है। नीचे आने पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जहां पे आप देख पाएंगे कि अनरिजर्व के लिए 16 सीट है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 2 वैकेंसी है। अच्छा खासा सीट निकल के यहां पे कॉमर्स से भी इस बार आया है। अगर बात करें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का तो नीचे आने पे यहां पे आपको देखने को मिलेगा उसका सीटों की संख्या, जरूर आप यहां से एक बार देख लें। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स का आपको नाम देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे आने पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का वैकेंसी, जहां पे आप देख सकते हैं। नीचे आने पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक का वैकेंसी, जहां पे आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक से भी निकलकर सामने आया है। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से वैकेंसी, जहां पे अच्छी खासी वैकेंसी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से भी निकलकर सामने आया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का, जहां पे कुल मिलाकर 9 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। नीचे आने पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जहां पे आप देख पाएंगे कि अच्छी खासी वैकेंसी हिस्ट्री से भी निकलकर सामने आया है। नीचे आएंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे अनरिजर्व के लिए 6, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। आगे आने पे आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जहां पे आप देख पाएंगे अनरिजर्व के लिए 9 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। उसके अलावा अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का तो यहां से भी अच्छा खासा वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 26 वैकेंसी है, वहीं ओबीसी के लिए 18 वैकेंसी है, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस का 7 वैकेंसी निकलकर सामने आया। बहुत ही शानदार वैकेंसी है इस बार ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का तो यहां भी अच्छा खासा वैकेंसी निकलकर सामने आया है। नीचे आने पे आपको कुछ सब्जेक्ट का नाम देखने को मिलेगा, जहां पे एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जहां पे नीचे आने पे आपको देखने को मिलेगा अनरिजर्व के लिए 16 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी। अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का तो यहां से भी अच्छा खासा वैकेंसी निकलकर सामने आया है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। नीचे आने पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का वैकेंसी, जहां से अच्छा खासा वैकेंसी निकलकर सामने आया। बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का, जहां से बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 52 वैकेंसी है, वहीं ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसी। अगर बात करें फैकल्टी ऑफ लॉ से तो यहां भी बहुत ही शानदार वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए टोटल 26 वैकेंसी है, वहीं ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। नीचे आने पे आपको कुछ और सब्जेक्ट्स का नाम देखने को मिलेगा, जिससे आप जरूर देख लें एक बार। इसके अलावा अगर बात करें हम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का तो यहां से भी अच्छा खासा वैकेंसी निकलकर सामने आया है, वहीं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज से भी ठीक ठाक वैकेंसी निकलकर सामने आया है, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। नीचे आने पे यहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ और सब्जेक्ट्स का नाम, जिससे भी आप एक बार जरूर देख लें अगर आपका वो सब्जेक्ट हो तो। वहीं अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस तो यहां से भी ठीक ठाक वैकेंसी निकलकर सामने आया है, अनरिजर्व के लिए 11 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। इसके अलावा आप स्क्रॉल करते हुए जैसे ही नीचे आएंगे यहां पे आप देख पाएंगे सेंटर फॉर द
इंट्रेंस टेस्ट, यानी कि कहां कहां पे आप इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। यहां पे आप सिटीज का लिस्ट देख सकते हैं, लगभग लगभग सभी राज्यों का, एक एक शहर को तो एटलीस्ट जरूर शामिल कर लिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं झारखंड का रांची शामिल किया गया है, उसी तरीके का बिहार का पटना आपको देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर देखने को मिल जाएगा। लगभग लगभग सभी राज्यों के एक एक शहर को एटलीस्ट यहां पे शामिल कर लिया गया है। कुल मिलाकर 28 सेंटर बनाया गया है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार क्या होने वाला है सिलेबस इस टेस्ट के लिए। तो यहां पे साफ कर दिया गया है कि हर एक डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाइए, वहां पे आपको पीएचडी प्रोग्राम का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। जी हां, डीयू का हर एक सब्जेक्ट का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए, जैसे अगर सपोज कीजिए आपका कॉमर्स है तो आप लिखिए कॉमर्स डीयू, तो आपका खुल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट। वहां से जाकर के आप पीएचडी एंट्रेंस का सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आने पे यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्कीम ऑफ द एग्जाम, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो होगा सीबीटी मोड में। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वैसे स्टूडेंट का एंट्रेंस एग्जाम होगा जो ओनली पीजी पास है, जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, उसे एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, उनको इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, अगर बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम तो 2 घंटा का होने वाला है। ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के सभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा जिसका 4 ऑप्शन होगा। कुल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर बात करें मीडियम ऑफ पेपर का तो यहाँ पे हिंदी में पेपर नहीं होता है, जो कि बहुत गलत है। ओनली यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होता है। जैसे अब हिंदी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्वियसली हिंदी में होगा, लेकिन बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स वगैरह का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पेपर होता है। आई थिंक इसको चैलेंज करना चाहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर जिनकी कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो वो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। भारत में चूंकि हिंदी मीडियम में शिक्षा दिया जाता है, इस वजह से वो शिक्षा ग्रहण हिंदी मीडियम में किए हैं। जरूरी नहीं है कि उनको इंग्लिश मीडियम में चीजें आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बोथ मीडियम होना चाहिए, लेकिन ओनली इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे एग्जाम होता है। अगर बात करें कि इंटरव्यू किसका और कैसे होगा, तो वैसे बच्चे जो कि ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, अगर आप ओनली पीजी पास हैं तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। जैसे आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप पहुंच जाएंगे इंटरव्यू में। वही नेट जेआरएफ जो क्वालिफाई स्टूडेंट है वो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू के समय आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना होगा या फिर सिनॉप्सिस लेकर के जाना होगा। आप कैसे बनाते हैं रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस, उसके संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। राइट, यही दोनों के बेसिस पे आपका बेसिकली एक मेरिट तैयार होगा और उसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे यहाँ पे और बहुत कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको आना होगा DU का एडमिशन पोर्टल पे, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है admission.uod.ac.in। जैसे ही आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको सीधे स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर PhD एडमिशन रजिस्टर्ड एट, यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको सीधे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप एक नया पेज पर आ जाते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके का एक इंटरफेस। यहां से आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे लिखा हुआ है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। वहीं अगर जितके आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर लीजिए। उसके बाद जो भी आप ईमेल आईडी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के समय डाले होंगे और जो पासवर्ड डाले होंगे उसके थ्रू यहां से लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आप इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को यहां से भर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है कंप्लीट डिटेल जो कि निकल कर आया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नॉर्मल वेबसाइट अलग है, ये एडमिशन पोर्टल है, तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आना होगा अगर आप PhD का फॉर्म भरना चाहते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया कंप्लीट डिटेल में। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे DK ग्रो ट्यूटोरियल।